प्रिंसिपल साहब जवाब दो, आप प्रतिमा कहाँ है? प्रिंसिपल साहब से आप पूछे कहाँ रखी है बाबा साहब? महिला है बाबा साहब का, उन्होंने कल तक कोई लगाया उन्होंने रखी है जब सम्मानी व्यक्ति है तो सम्मानी व्यक्ति कहाँ प्रतिमा? तमाम हमारे देश के महापुरुषों की तस्वीरें आपके दीवार पर लगी हुई है और कुछ रखी भी हुई है, मैंने स्वयं चेक किया है, लेकिन परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रिंसिपल महोदय मुझको तस्वीर नहीं दिखाई दी। ऐसे महापुरुष की तस्वीर भी ढूंढने की भी आवश्यकता क्या है? वो तो सम्मान के साथ लगी रहनी चाहिए आपके कैंपस में, लेकिन यहाँ उपस्थित नहीं, इससे आपकी जाति वाली मानसिकता झलकती है प्रिंसिपल महोदय, ये बहुत अशोभनीय चीज है। सिर को बटो पुलिस को भेजो, सीधा गिरफ्तार करो। अरे अध्यक्ष जी सिर को उनको बटगो, सिर जा बच्चा को बटो, सिर जा बच्चा को बटो। डीएवी इंटर कॉलेज फिरोजाबाद में जातिवादी मानसिकता को लेकर एक छोटे बच्चे सामने खड़ो, अच्छा मैं आप में बेंच पे और माता भाग दिया गया, क्या है मामला? परिवार के लोग यहाँ आए हैं और कुछ नारेबाजी भी हुई है आपके कार्यालय में, क्या पूरा मामला? मामला ये है कि कक्षा 6 का एक विद्यार्थी है मेरे पास आया कि सर कक्षा में उदम हो रहा है, हमारा कक्षा जो अंग्रेजी के अध्यापक है वो नहीं पहुँची। मैं यहाँ से गया, अंग्रेजी के अध्यापक को मैंने भेजा, वो किसी कार्य को कर रहे थे रजिस्टर में, मैंने कहा आप पहले कक्षा लीजिए। कक्षा में गए, जाते ही बच्चों में शोर हो रहा होगा तो अपना उनके हाथ में डंडा था, बच्चों में या सीट में मारने का प्रयत्न किया, बच्चे के सिर में लगा, यह निर्विवाद सत्य है कि बच्चे को चोट आई है। अब उसका अभिभावक लोग आए हैं मेरे संज्ञान में आई, न तो शिक्षक ने मुझे बताया और न बच्चे ने मुझे बताया, इनका कहना ये है कि हमने पिटा दिन लगा के उसे घर भेज दिया है। मैंने कि आप पहले यहाँ संज्ञान में लाते तो बच्चे के अभिभावक के साथ बच्चा यहाँ आया है। सर पुलिस भी आपके कैंपस में आई है? हाँ पुलिस भी आई है, पत्रकार लोग भी आए हैं, क्योंकि उनके अभिभावक और उनके साथी लोगों ने सबको अवगत कराया। तो सर बाबा साहब की प्रतिमा जो आपके कैंपस में नहीं है, रुकिए कुछ, जो आपके कैंपस में नहीं वो कब तक लग जाएगी? बाबा साहब की प्रतिमा अभी 10 मिनट में लगती है, लगवाइए अभी। सर अभी तक क्यों नहीं लगी? अभी तक क्यों नहीं लगी? अभी तक इसलिए कि दो प्रतिमाएं आई, एक स्वयं मेरे द्वारा कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक में लगाई गई है, आप पता कर लीजिए। एक प्रतिमा यहाँ लगी थी, कहाँ है वो? सफाई के दौरान यदि कुछ तस्वीरें नीचे भी रखी है, दिखाइए सर कहाँ है, उसे दिखाते हैं बेटा। हाँ दिखाओ, बाबा साहब की प्रतिमा मतलब नीचे नीचे रखने की चीज है या तो दीवार पे लगाने की? नहीं मैंने चेक किया है, एक वो नहीं है बेटा, वो हम पूर्ण सम्मान करते हैं, कोई हमारे यहाँ सम्मान आप करते तो दीवार पे लगी होती प्रतिमा, सम्मान करते तो मान लो पर अम्बेडकर जी की प्रतिमा यहाँ पर अभी लगाती है। तेरी बात तेरे कहीं 10 मिनट में लग जाए, 10 मिनट में लग जाए, अब तक क्यों लगाई हमने? याद आप लगाते हैं, अब तक भी बेटा लगी हुई थी, अगर कहीं कैसे हटी तो फ्रेम टूटा या गिर पड़ी या आपने कहीं निकलवा के फेंक दिया, उसको देखेंगे जो भी होगा। तो जिसने तस्वीर को बुक किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हम आज अभी तक में आप बताए बात, जितने तस्वीर उतारी उसके खिलाफ आप प्रिंसिपल साहब क्या कार्रवाई करेगा?
सब राजधारी या प्रिंसिपल ने उधारी स्टाफ ने उधारी जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके साथ वैधानिक ऐसा है। देखिए यहाँ पे कहीं बाबा साहब की पटवारी लगाई इन लोगों ने, स्पष्ट जातवादी का काम चल रहा है यहाँ पे, और बच्चे भी चार भारी है वो संविधान खुद लिख रहे संविधान निर्माता बन चुके हैं खुद ही है, और जगह कहीं रखी होगी, कहीं रखी होगी, कहाँ रखी है? पंजाब नेशनल बैंक में चलो, मैनेजर की चांद के ऊपर टंगी प्रतिमा बाबा साहब की, आपके स्कूल में क्यों नहीं है? चलो मैं लेके चलता हूँ। चलो आज के बाद नहीं बाबा साहब की प्रतिमा होनी चाहिए, कहीं होने में रखी भी नहीं है, लगाने की बात अलग है। सफाई के लिए काम है, सफाई में गड़बड़ी जी। आपके डीएवी कॉलेज में घटना हुई है, बच्चे के साथ मारपीट हुई है, शिक्षक ने जो मारपीट की है, क्या मामला है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कक्षा छह में चतुर्थ कालांश में डॉक्टर राजेश का घंटा था, वो गए हैं, बच्चे उदम कर रहे होंगे या जो भी है, उनका कहना ये है कि मैंने सीट में डंडा खटकाया लेकिन गलती से छोटे बच्चे के सिर में लग गया, उस गलती को वो स्वीकार कर रहे हैं, यह सफाई देने की जरूरत नहीं है, निर्विवाद रूप से प्रथम दृष्टया ही वो दोषी है, बच्चे के सिर में चोट आई है और वो उसके अभिभावक बच्चे के साथ आए हुए हैं, उन्होंने मुझे अवगत कराया। स्कूल के बारे में आप जो है शिक्षक के बारे में क्या करना चाहेंगे, क्या उचित कार्रवाई करेंगे आप? जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है, वैधानिक कार्रवाई क्या, प्रथम दृष्टया जब शासन ने मारपीट में बच्चे छोटे बच्चों के चाहे बड़े बच्चों के रोक लगा रखी है तो डंडा लेके क्लास में नहीं जाना चाहिए, फिर भी अगर गलती से वो हुई है तो उनके अभिभावकों से या तो माफी मांगते हुए उसका समाधान ढूंढे या कानूनी कार्रवाई के लिए FIR वो मेडिकल करा के करने के लिए तैयार है, जो भी वो होगा उसमें हम सत्य का साथ देंगे। हम बीजेपी की लीपा पूरी नहीं है कि हम या तो उनसे कॉल आ रही तुम्हारे फोन पर कोई चीज हो जाएगी दिमाग से ही होता है कि बाद में तो लग पावे अच्छा गलती करने की चांद पाते हो गलती है जाए चांद पारवे के लिए पढ़ा रहे हो पढ़ाई के लिए पढ़ा रहे हो मास्टर कहाँ हैं अंदर बैठे हैं अंदर बैठे हो क्या बच्चा हमारे एक ही बच्चा एक ही बच्चा तो एक काम करो बच्चे यहाँ लेके आओ तुम्हारे बच्चे ही चांद बड़ी है हैं उनका कहना तो ये है वो ऐसे भी बाल कोई ये छोटा बाल है खौफ दिया जाता है डर पाया जाता है नजरों से इस तरीका से नहीं है कि मतलब तुम किसी को ताना साई देकर रैम दे रैम से तुम मारो मैं गाड़ी देना पैदल तो जो टीचर राजपूत टीचर राजपूत हो जाने मारो टीचर राजपूत है तू गलती तो लग गई तो बाहर ढूंढो चल बाहर निकाल गलती आगे वाला मार जा मारा।